हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे और सिंपल सा एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है stpgolog.org/dl में। यहाँ पर आपका जो डाउनलोड्स का ऑप्शन है, एप्पल, लाइनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इंस्टॉल करना इसे बहुत आसान है, और इसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी गिवन है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत सारी कोड मिल जाएंगे, रूल्स मिल जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो आप जाएंगे सबसे पहले द पीसी में, उसके बाद जाइए प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया पाथ, और इसकी वैल्यू दी है cgo/bin। न्यू पर जाएंगे, पाथ यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपको कॉपी और पेस्ट करनी है। तो ओपन कीजिए सबसे पहले अपना पीसी, फिर जाइए सी में, यहाँ पर आपका प्रोग्राम सारे डाउनलोड होते हैं, रखे होते हैं। तो गो में जाइए, उसके बाद बिन में जाइए, और यहाँ पर से ऊपर से इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट करना है, और इसका नेम देना है पाथ। ओके करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, जिसमें आप अपना कोड लिख सकें। और देखिए, उससे पहले मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना रखा है जिसमें मैं अपनी फाइलों को रखूँगा। तो देखिए, मैं अपना खोलता हूँ पहले। तो सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, इस पर मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इसे डिलीट करते हैं, दोबारा लिखेंगे इसे, और इसे सेव किया है मैंने hello.gonin से। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं पैकेज, क्योंकि मैं बताना होता है कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किस पैकेज से बिलोंग करता है, और ये पैकेज कौन सा है, मेन पैकेज है। अब देखिए, और ये ऑटो फिल हो गया, इसे डिलीट करना पड़ेगा, थोड़ा हटाते हैं इसे। अब देखिए, सेकंड लाइन हमें क्या करनी है, हमें इंपोर्ट करना होगा FMT। और इसे क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए या यूज़र से कोई वैल्यू लेने के लिए यूज़ कर सकें, यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है फॉर्मेट, FMT का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फॉर्मेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, और फंक्शन बना के हम लिखेंगे FUNC, और उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे। तो यहाँ पर दे रहे हैं मेन, क्योंकि हमें कंपाइलर को ये बताना है कि सबसे पहले आपको इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ लगाएंगे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे fmt.println, और प्रिंट होगा वो का उसका जो p होगा वो कैपिटल में होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एलन, एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, दिस इज CS गीक्स, इस तरीके से। सेव कर लीजिए इस फाइल को, इसे यहाँ से हटा देते हैं, सेव कर लीजिए। उसके बाद जाएंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले लिखना है गो, और फिर लिखना है रन, और फिर लिखना है हेलो, गो रन हेलो, जो आपकी फाइल का नेम है .go। एंटर दबाएंगे तो आपको आपका आउटपुट यहाँ जनरेट हो जाएगा, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, दिस इज CS गीक्स। जिसमें हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में, लाइन सेपरेटर्स के बारे में, और कुछ हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टोकन्स के बारे में। देखिए, जो भी आपने ये लिखा है FMT, इम्पोर्ट मेन और फंक्शन मेन, ये आपका क्या है, आपका एक टोकन है। ये println, ये सब आपके टोकन है। अब देखिए, जैसे आपने ये लगाया है पैरेंथेसिस, सेमी कोलन, डबल कोटेशंस, ये आपका क्या है, टोकन्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस प्रोग्राम में, ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें कितने टोकन्स हैं, तो आपको बताना पड़ता है। तो ये थे आपके टोकन्स। अब हम बात करेंगे लाइन सेपरेटर्स की। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमी कोलन का यूज़ होता है, लेकिन इसमें सेमी कोलन का यूज़ नहीं होता। अगर आप नेक्स्ट लाइन पर आ जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये समझ लेगा कि यहाँ पर सेमी कोलन है, इस तरीके से। तभी हमने ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एक ही लाइन में सारा कोड नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सेमी कोलन है, और सेमी कोलन नहीं लगा सकते आप इसमें। अब देखिए, तीसरी चीज़ बात करते हैं कमेंट्स की। अब देखिए, कमेंट्स तब हम करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ को भी कहते हैं कोड रन नहीं करना होता है, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये हमने क्या कर रखा है, कि इसमें क्या करवा रखा है हमने। तो देखिए, कमेंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा \, फिर लगाना पड़ेगा आपको इस तरह से एस्ट्रिक का साइन, और यहाँ पर आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका कमेंट हो जाएगा, और फिर लगाना पड़ेगा आपको एस्ट्रिक, और फिर से स्लैश, इस तरीके से। तो ये लाइन आपकी पूरी
कमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो देखिए, चाहे आपका वेरिएबल हो, चाहे आपका फंक्शन हो, कोई भी यूज़र डिफाइंड आइटम जो होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं ए से और जेड तक, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल जी भी हो सकता है, और आप इसे अंडर स्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और देखिए, अंडर स्कोर के बाद आप यूज़ कर सकते हैं जो भी, आप अंडर स्कोर के बाद कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ए टू जेड, 0 1 2 3, इस तरीके से। तो ये आपका आइडेंटिफायर के चीज़ें हैं। और अब बात करेंगे कीवर्ड्स की। देखिए, बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करने वाले हैं आने वाले प्रोग्राम्स में। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ मेन कीवर्ड्स आपके यूज़ हुए हैं, जैसे कि मेन, ये आपका एक कीवर्ड है। तो देखिए, इम्पोर्ट, ये आपका एक कीवर्ड है। तो देखिए, इसी तरीके से आपके और भी आगे फ्यूचर में कीवर्ड आएंगे, क्या कहते हैं, कीवर्ड आएंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स की, डाटा टाइप्स। तो देखिए, कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, या वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू होगी फॉल्स, दो ही वैल्यू होती हैं इसमें। अब एक और चीज़ बात करते हैं न्यूमेरिक टाइप की। न्यूमेरिक टाइप मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू, वो आपकी न्यूमेरिक टाइप में आ जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू में। जैसे कि आपका आ गया कोई भी नंबर, कोई भी, जैसे कि ये नंबर है हमारा, ये आपका न्यूमेरिक टाइप में आ जाएगा। और जैसे ये नंबर है, कहते हैं फ्लोट वाला, ये भी आपका न्यूमेरिक में आ जाएगा। एक होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई भी, जैसे हमने लिखा हेलो फ्रेंड, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। एक होता है ड्राइव्ड टाइप। देखिए, ड्राइव टाइप क्या होता है आपका, कोई भी पॉइंटर्स, कोई भी एरे, या फिर कह लीजिए आप कोई भी स्ट्रक्चर टाइप, वो आपका ड्राइव्ड टाइप होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए, इंटीजर जो टाइप होते हैं उसके अंदर कौन कौन से अलग अलग उसके और तरीके होते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है यू इंट, इसका मतलब है अनसाइंड इंटीजर। जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 255 पे एंड हो जाती है, अगर हम यहाँ पर 8 लगाएं तो UIT 8। इसी तरह से 16 होता है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। फिर 32 होता है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 8 कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और उसमें 1 माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है एक तो। इसी तरह से 32 भी होता है, इसी तरह से 64 भी होता है, वो रेंज के हिसाब से होता है। जितना बड़ा आपका डाटा होगा, जितना बड़ा आपका नंबर होगा, उसके हिसाब से आपको टाइप बताना पड़ेगा उसका। उसी तरह से होता है एक इंट, इस तरीके से इंट 64। और यू इंट में और इस इंट में फ़र्क क्या है, इसमें आपका जो डाटा स्टार्ट होता है वो होता है माइनस, माइनस से माइनस 2 128 2 255, यहाँ तक। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपको ये यहाँ पर 2525 बनेगा, 127 आएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ से इन दोनों की रेंज निकलेंगे तो आपको टोटल मिलेंगे 256 नंबर्स। तो इसमें आपके माइनस वैल्यू भी आ जाती हैं, लेकिन यू आई टी में, यू इंट में क्या होता है, आपके माइनस की वैल्यू नहीं आती है इस तरीके से। अब देखिए, इसी तरीके से आपका फ्लोट में भी होता है। देखिए, फ्लोट 32। अब फ्लोट किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लोट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका डेसिमल जो वैल्यू है, जैसे कि 1.25, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है, ये आप इंट में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये डेसिमल वाली है। और जो इंट में आते हैं, जो इंट वाले नंबर होते हैं, वो पूरे होल नंबर होते हैं, जैसे कि बिना, उसमें कोई डेसिमल नहीं होता है, लेकिन फ्लोट में आप डेसिमल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, फ्लोट 32 होता है और स्पेस नहीं होगा, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ये भी रेंज के हिसाब से वेरी करते हैं, 128। और एक होता है कॉम्प्लेक्स 64, कॉम्प्लेक्स 64 इस तरीके से, और कॉम्प्लेक्स 128। देखिए, 64, 128, ये तो इसकी रेंज है। कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि ई की वैल्यू होगी, आपने मैथ में पढ़ा होगा ई, वो भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। जैसे कि माइनस आई होता है और आई का स्क्वायर होता है, वो सब कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाती हैं आपकी। हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू आपको स्टोर करानी है तो उसकी जगह लेने वाले को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि 15 को आपने स्टोर कराया एक्स में, तो एक्स क्या होगा, आपका एक वेरिएबल्स होगा। तो इसी तरीके से आप 15 की जगह 115.15 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, बी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए वेरिएबल्स। देखिए, वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले हम कोड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पैकेज मेन, और देखिए ऑटो करेक्ट फिर से हो गया, यहाँ से डिलीट करते हैं ज़रा, और यहाँ से भी इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पर लिखेंगे FMT,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एफ यू सी मेन, और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सबसे पहले एक क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है वेर, इसका मतलब है वेरिएबल, और फिर आपको वेरिएबल का नेम देना है, ए बी सी डी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ एक्स। और फिर हमें इसे टाइप बताना होता है कि किस टाइप का है, इंट 8, इंट 64, इंट 32, इस तरीके से। तो हम क्या लेंगे, फ्लोट लेंगे, फ्लोट 64 इस तरीके से। अब देखिए इस फ्लोट में मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कराता हूँ, जैसे कि मैंने कराई 15.2564, इस तरीके से मैंने एक वैल्यू शो करा दी, फ्लोटिंग वैल्यू। अब देखिए इसे प्रिंट कराते हैं, यहाँ लिखूंगा एफ एम टी डॉट प्रिंट, और पी ए आपका बड़ा होगा प्रिंट एल एन, और यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्स को। इसे सेव करते हैं फाइल को, अब इसे रन करेंगे तो सी एम डी में जाएंगे अपने कोड में यहाँ पर, और सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है गो, और फिर लिखना है अपने चलते हैं फाइल का नेम हमारी, अगर फाइल का नाम देखें तो अब सी एस गीक्स है, तो यहाँ पर लिखें सी एस गीक्स डॉट, सॉरी पहले रन लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ लिखेंगे रन और यहाँ लिखेंगे सी एस गीक्स डॉट गो, एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वैल्यू मिल रही है 15.2564। तो जो एक्स था उसने किसको वैल्यू स्टोर किया था, 64 को स्टोर कर लिया था। देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एक्स नेम से जो किस टाइप का था, फ्लोटिंग 64 नेम से था, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से स्टोर हुई। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ इंट इंट 32, तो देखते हैं आउटपुट में क्या चेंज आता है। इसे सेव करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, अपना एरो की दबाएंगे जो अपने पहले से कोड लिखा हुआ है, इसको तो रन करेंगे तो देखिए ये एरर दिखा रहा है। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम जो डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, इंटीजर 32, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग टाइप की है। अगर यहाँ पर मैं फ्लोटिंग ही वैल्यू लिखता, फ्लोट 64, तब कोई एरर नहीं आता जो कि हमने देखा था। अगर हम फिर से इसे रन करूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जो ये नंबर है वो भी फ्लोटिंग नंबर है, और डाटा टाइप भी हमने क्या यूज़ कर रखा है, फ्लोटिंग नंबर वाला ही यूज़ कर रखा है। अब देखिए आपने फ्लोटिंग पॉइंट वाला वेरिएबल यूज़ कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 को यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम देखें इसे रन करूँ मैं, अगर अब कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि जो फ्लोटिंग नंबर होते हैं उसके अंदर होल नंबर भी आपके आ जाते हैं 15 इस तरीके से, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से तब आप इंटीजर क्या कहते हैं पॉइंट वाले नंबर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे डायनेमिक टाइप डिक्लेरेशंस की। देखिए इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स के बारे में, और उसमें मैंने आपको एक वेरिएबल डिफाइन करके बताया था कि वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा था वी ए आर, फिर एक वेरिएबल का नेम दिया था, फिर उसका हमने टाइप बताया था जैसे इंट 32 या 64 या फिर फ्लोट 64। आज हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे डायनेमिक टाइप डिक्लेरेशंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले कोड स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले पैकेज और लिखेंगे मेन इस तरीके से। फिर से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये ऑटो करेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट करना है हमें एफ एम टी, तो यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट डबल कोटेशन एफ एम टी। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एफ यू एन सी, फिर लिखेंगे मेन, और इस मेन फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं वी ए आर, और यहाँ पर इसे मैं नेम देता हूँ एक्स, और इसे फ्लोट 64, और इसे वैल्यू दी मैंने 20.256 इस तरीके से। अब इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसे इनिशियलाइज करा सकते हैं, एक्स को अपने 20 की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। अब देखिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो आपका डायनेमिक होगा, वो जिस तरह से आप वैल्यू डालेंगे उसमें उसी तरीके से वो डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू डालेंगे 145 तो इंटीजर टाइप में चेंज हो जाएगा, अगर आप फ्लोट की वैल्यू डालेंगे तो फ्लोट की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर आप स्ट्रिंग डालेंगे इस तरीके से तो स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इस तरीके से, एक नेम दिया मैंने से वाई, फिर हम लगाएंगे इस तरीके से कोलन और इज इक्वल टू, ये आपका डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब इसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 42। अब हमें पता कैसे चलेगा ये किस टाइप का है, तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हम इन्हें प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन इस तरीके से, और इसमें वैल्यू सबसे पहले एक्स को प्रिंट करवाते हैं, और फिर से लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन,
और इसमें वाई को प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने प्रिंट करवा लिया, अब इनके टाइप भी प्रिंट करवाते हैं। तो टाइप प्रिंट करवाने के लिए सबसे हम लिखते हैं एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ, एफ कमांड, और इसके अंदर देखिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं y का, x का टाइप तो आपको पता है, तो y का टाइप डिफाइन करते हैं। तो y इज ऑफ टाइप, और फिर यहाँ पर लगाएंगे हम अंडर स्कोर का साइन, सॉरी परसेंटेज का साइन और t। इससे क्या पता चलेगा आपको, टाइप पता चल जाएगा, ये और कॉमा लगाएंगे y, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर चलते हैं मॉड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बताना होगा कि किस किसका टाइप बताना है हमें। तो यहाँ पर इसको वेरिएबल को पास करना होगा, अगर हम एक्स का पास करेंगे तो एक्स का टाइप पता चल जाएगा, यहाँ पर वाई का पास करेंगे तो वाई का टाइप पता चल जाएगा। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इसे सेव करते हैं, सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं अपना, सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गो रन सी एस गीक्स गो, इसे रन किया तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो वैल्यू आ गई 2042 जो हमने वैल्यू सेव की थी यहाँ पर, और दूसरी चीज़ आ गई वाई इज़ अ टाइप ऑफ इंट, इंटीजर टाइप का ये हमें बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। तो देखिए अभी थोड़ा चेंज करते हैं इसमें, या फिर सबसे पहले रुकिए, हाँ यहाँ पर इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं इस तरीके से, ऐसे वैल्यू तुमने डेसिमल वैल्यू, तो अब देखिए क्या बताता है आउटपुट में, चेक करते हैं। हाँ सॉरी सेव नहीं किया मैंने इसे, हर बार सेव करना पड़ेगा आपको इसे, सेव करते हैं अब रन करते हैं। तो देखिए यदि बता रहा है y इज़ अ टाइप ऑफ फ्लोट 64, तो ये होता है आपका डायनेमिक डिक्लेरेशन, डायनेमिक टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। अब आता है आपका मिक्स्ड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, तो देखिए वो कैसे होता है वो भी हम बताएंगे आपको। जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया है इंट x नेम से, इसके साथ आप इस तरह के लिखते हैं x कॉमा y, y नहीं बनाएंगे a कॉमा b कॉमा c, ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब इन्हें वैल्यू बताते हैं हम, तो सबसे पहले 3, फिर कॉमा लगाएंगे 4, फिर कॉमा लगाया हमने, और फिर देखिए ये तो थे इंटीजर टाइप के, लेकिन जो मैं ये एक्स की वैल्यू हो गई 3, बी की ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हम रखते हैं इस तरीके से विजय, और डी की और सी की वैल्यू हम रखते हैं 46 इस तरीके से। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे को प्रिंट करवा लेते हैं, कॉपी करेंगे इसे, पेस्ट पेस्ट, सबसे एक्स यहाँ पर ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी को प्रिंट करवा लेते हैं, और सी का टाइप भी पता कर लेते हैं हम, सी का नहीं बी का करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बी विजय टाइप का, तो यहाँ पर लिखते हैं वी इज अ टाइप ऑफ, सेव करते हैं इस फाइल को, अभी इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज्ड, डिक्लेयर तो हमने कर दिया वाई को लेकिन यूज़ नहीं किया, तो इसे डिलीट ही कर देते हैं जब इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सेव कर लेते हैं इसे, अब इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे देखिए आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 3, 4, 4, 46, बी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो ये आपका होता है मिक्स्ड टाइप डिक्लेरेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए मिक्स्ड कर देते हैं 3, 4, और इसके साथ देखिए इंटीजर टाइप के थे, इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग टाइप का भी स्टोर करवा लिया, फिर से इंटीजर टाइप का करवा लिया, इसके साथ आप फ्लोट टाइप का भी स्टोर करवा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप। और इससे पहले हमने पढ़ा था वो था डायनेमिक टाइप डिक्लेरेशन। जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स की, देखिए कॉन्स्टेंट क्या होते हैं जिसे हम लिटरल भी कहते हैं, कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होती हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने उसे वैल्यू कॉन्स्टेंट कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉन्स्टेंट लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सी यू एन एस टी कॉन्स्टेंट, और इसे नेम देता हूँ मैं एक्स, और इसे टाइप बताऊँगा इंटीजर टाइप का है, और इसे हम लोग वैल्यू देते हैं 10 इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं इसे चेंज करने की सोचूँ ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ 50, और इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ए को, और यहाँ पर लिखेंगे हम ए, तो सही है यहाँ पर ए करना पड़ेगा हमें, सेव करते हैं इसे। अब देखिए इसे रन करेंगे तो सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा अपना, तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। अब सी डी डेस्कटॉप में जाएंगे, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, और फिर जाएंगे हम अपने सी एस गीक्स में, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा गो रन सी एस गीक्स डॉट जी ओ, रन करते हैं इसे।
तो ये देखिए एरर दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन टू ए, जो ए है हमारा वो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। अब देखिए अगर मैं इसे हटा दूँ तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। सेव करते हैं इसे, रन करेंगे दोबारा से, अब कोई एरर नहीं आएगा, सीधे 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये था हमारा कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए अब हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस की। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? कोई एक स्पेशल करेक्टर होते हैं जिससे हम कोई स्पेशल एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले कुछ प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोटेशंस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अगर आप इस तरीके से इसे लिखेंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा ये। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश और फिर लिखना पड़ेगा एन। इसका मतलब है स्केप सिक्वेंस, एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन। सेव करते हैं इसे, अगर देखिए इसे रन करूँगा अगर मैं, तो यहाँ दिखा रहा है हेलो वर्ड आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरह से एक और स्केप सिक्वेंस होता है आपका टी। टी क्या करता है? आपका टैब का काम करता है। सेव करते हैं इसे, इसे रन करते हैं, तो देखिए हेलो के बीच में बहुत सारे स्पेसेस आ गए, टैब आ गया। तो ये था आपका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, आपका क्या कहते हैं स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, और आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जिसमें हम लोग बात करेंगे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ और एल्स स्टेटमेंट तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई कंडीशन दी होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम एक एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, अगर वो कंडीशन नहीं होती है ट्रू तो हम कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो हम उसमें यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। और एक और चीज़ हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो देखिए सबसे पहले हम अपने मेन प्रोग्राम में आए, सबसे पहले यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे एक्स नेम से, और वो इंटीजर टाइप का होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 20। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो कंडीशन लगाते हैं हम कि अगर एक्स की वैल्यू 10 से कम होती है तो हम कुछ प्रिंट करवाएंगे, अगर नहीं होती है तो हम कुछ और प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, और यहाँ पर लिखेंगे ए सॉरी एक्स इज़ लेस देन, अगर 20 होता है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हम चाहते हैं कि कुछ प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखते हैं एक्स इज लेस देन 20, इस तरीके से। और स्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, ये हमने कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग यह क्या यूज़ करने वाला है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे एल्स कमांड का। ये हमारी अगर ये ट्रू नहीं होती है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, हम चाहते हैं एल्स कमांड हमारी स्टार्ट हो। तो यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और यहाँ पर लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ डबल कोटेशन एक्स इज नॉट लेस देन 20, इस तरीके से, और इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे सी एम डी गो रन डॉट सी एस एक्स डॉट गो में, और देखेंगे एक्स इज नॉट लेस देन 20 कह रहा है, क्योंकि 20 है ये, और ये कंडीशन तब ट्रू होती जब ये क्या बोलते हैं इस तरह से लिखा होता एक्स इज लेस देन इक्वल टू, या लेस हो इससे या इक्वल टू हो। तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, इसे रन करेंगे फिर से, तो देखिए x इज लेस देन 20, इस कंडीशन में ये ट्रू हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाया है। इसी तरह का तरह से होता है आपका else if कमांड, कि जब आप इस कंडीशन जैसे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप एक और कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं। तो देखिए वेरिएबल हमारा इंट ए है 20, इसको वैल्यू हम देते हैं 100 इस तरीके से, और पहली कंडीशन हम चेक कराते हैं कि x इक्वल टू है, और जब हम इक्वल टू चेक करवाना होता है क्योंकि हम डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इक्वल टू 100, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, या फिर इज इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसे चलाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एक और कंडीशन चेक कराएंगे। तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं एल्स इफ़, और फिर से लगाएंगे पैरेंथेसिस का साइन, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। मैं लिखता हूँ ए, क्या ए इज इक्वल टू 20 है, तो हम ये लिखेंगे इस तरीके से, और इसके बाद एक और कंडीशन इससे लिखेंगे फिर एल्स इफ, क्या ए की कंडीशन 50 है तो हम लोग कुछ प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए सिंटैक्स सेम ये रहने देते हैं, सेम प्रिंट टाइप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे सिंटैक्स में, कॉपी और इसे यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और इसके अंदर लिखते हैं विजय,
और फिर से एल्स इफ की कमांड लगाएंगे, एल्स इफ ए इज़ इक्वल टू 100 के इक्वल है या नहीं। इस तरीके से हम चेक करवा रहे हैं यह 100 के इक्वल है, अगर ऐसा होता है तो हम कुछ प्रिंट करवाते हैं। तो ये इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं अजय इस तरीके से। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं एल्स लास्ट में, और यहाँ पर भी आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ लिखे हैं FMT डॉट प्रिंट एफ, और यहाँ लिखते हैं डबल कोटेशन में रमन, इस तरीके से। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेव करते हैं इसे और इसे रन करेंगे, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। रन किया और ये डिफ एरर बता रहा है ए, सॉरी यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर लिखना है एक्स। सेव करते हैं इसे और इसे रन करेंगे, तो देखिए अजय आ रहा है। क्योंकि कौन सी कंडीशन, सबसे पहले ये कंडीशन फॉल्स हुई, फिर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, फिर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, और फिर लास्ट में ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इसमें हमने क्या प्रिंट करवा रखा है, कहते हैं हमने प्रिंट करवा रखा है अजय, इसलिए हमारा आउटपुट आ रहा है अजय। अगर इसकी वैल्यू होती है 120, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। रमन आया आउटपुट, क्यों आया रमन, क्योंकि देखिए पहले ये कंडीशन फॉल्स हुई, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन एल्स में एल्स वाला पार्ट चलेगा जब कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। देखिए स्विच स्टेटमेंट तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे एक ही कंडीशन के हमारे अल्टरनेटिव बहुत सारे हमारे आउटपुट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो देखिए लेट अस सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपके ग्रेड्स आते हैं अलग अलग, डिफरेंट टाइप के ग्रेड आ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो हर केस में हम इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। देखिए 2, 3, 4 में तो हम इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नंबर है, जैसे कोई नंबर सेलेक्ट करना है 1 से लेकर 100 तक, और हमें हर एक नंबर के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले बनाया हमने एक वेरिएबल, इसके लिए लिखा है वेरिएबल वेर, और फिर इसे नेम दिया जी ग्रेड के लिए, और किस टाइप का हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग, टाइप बताएंगे, और इसमें वैल्यू स्टोर करा लेते हैं हम ए, इस तरीके से कैपिटल ए हमने वैल्यू स्टोर करवा ली। अब देखिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से स्विच, और फिर उसके बाद लगाएंगे हम करली ब्रेसेस इस तरीके से, और फिर हम केस डिफाइन करेंगे कि केस क्या है। अगर केस जी इजिकल टू ए होता है, अगर ये कंडीशन होती है, अगर ए हो जाता है हमारा जी, तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ कोलन, और फिर यहाँ लिखेंगे FMT डॉट प्रिंट लाइन, की कैपिटल होगा प्रिंट एलन, और हम यहाँ पर लिखते हैं गुड ग्रेड इस तरीके से, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से हम और केसेस भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ पर इसी तरह, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और एक की जगह अगर बी आया तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ ओके ग्रेड, और यहाँ पर लिखते हैं सी, तो यहाँ पर लिखते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पर नॉट गुड, नॉट सो गुड ग्रेड, और यहाँ पर हम देखिए आते हैं डी पे, और यहाँ पर लिखते हैं बैड ग्रेड इस तरीके से, और फिर हमें लास्ट में यहाँ पर देना होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, फिर लगाएंगे कोलन, और इसमें हम लोग वैल्यू देते हैं यहाँ पर FMT डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, इसे कर देते हैं हम सेव यहाँ पर। अब इसे करते हैं हम रन, देखिए CSS रन, कोई एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, ये ऑनलाइन नंबर कौन सी है 9, तो चेक करते हैं अपना एरर, ये देखिए हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर हमने स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने क्लोज भी कर दिया इसे, इधर ऐसे नहीं होगा इस तरीके से, ये आएगा पहले तो इधर, और इसके बाद आएगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट क्लोज होगी अपनी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है गुड ग्रेड,
अगर मैं यहाँ पर ग्रेड चेंज कर दूँ तो देखिए ए था इसलिए आया गुड ग्रेड, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूँ डी इस तरीके से तो देखिए तब क्या आएगा, तब हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। इसे रन करते हैं फिर से, होप मैंने शेप किया हो। हाँ बैड ग्रेड ये हमारा आ गया। तो ये था आपका स्विच स्टेटमेंट, इसे तब यूज़ किया जाता है जब आपके बहुत सारे अल्टरनेटिव केसेस होते हैं, जैसे इस केस में हमारे थे बहुत सारे ग्रेड हो सकते हैं, तो उन हर एक केस के लिए हमने एक आउटपुट जनरेट कर दिया। हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। देखिए फॉर लूप तब हम यूज़ करते हैं जब हम एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फॉर और फिर इनिशियलाइज कराएंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। हम जीरो से इससे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लगाएंगे सेमी कोलन और फिर कंडीशन बताएंगे कि ए की वैल्यू जब तक 10 से कम होगी तब तक हमारा ये लूप चलेगा। और फिर हमें क्या करना है, ए में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ ए प्लस प्लस लिखेंगे क्योंकि हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो 10 टाइम्स हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ लिखते हैं FMT डॉट प्रिंट लाइन, प्रिंट एफ और यहाँ पर लिखते हैं डबल कोटेशन में वैल्यू ऑफ ए इज मॉटी फॉरवर्ड स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए और यहाँ पर कॉमा लगा के ए, इस तरीके से सेव करते हैं इसे। अब देखिए ये हमारा जो कोड है वो 10 टाइम्स रन होगा, यहाँ पर इसे करके देख लेते हैं। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक ये हमारा 10 टाइम्स हमारे एक ही कोड बार बार रन हो गया। अब देखिए एक और चीज़ कर सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ var b इंटीजर नेम से और इसे मैं वैल्यू देता हूँ 15 और एक और वेरिएबल लेते हैं सी नेम से और इसको वेरिएबल देते हैं वैल्यू देता हूँ मैं 0। अब हम कंडीशन के साथ भी फॉर का लूप लगा सकते हैं सीधे कंडीशन चेक करके। देखिए जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो फॉर का लूप चलेगा, तो आपको बताना नहीं है कि किस तरह से इंक्रीमेंट करना है 1 बाय 1 या 1 बाय 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर ए सॉरी बी सी सी इज लेस देन बी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप चलेगा। और ये कंडीशन अगर मैं अभी चला दूँ इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख दो ऐसे चला दो तो इनफिनिट टाइम ये चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन तो कभी फॉल्स ही नहीं होने वाली, क्योंकि 0 इज़ लेस देन 15 या ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे अपने सी को। सी को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे सी प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा हमारा ये सी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हम लिखते हैं FMT डॉट प्रिंट प्रिंट एफ इस तरीके से और यहाँ पर लिखते हैं डबल कोटेशंस में वैल्यू ऑफ सी इज फिर से मॉडी फॉरवर्ड स्लैश एन यहाँ लगाएंगे कॉमा यहाँ लिखते हैं सी इस तरीके से। और देखिए ये जो लूप है वो हमारा कब तक चलेगा, जब तक सी इज लेस देन बी रहेगा, मतलब सी इज लेस देन 50 रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। सेव करते हैं इसे, इसे रन करते हैं। तो देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, 0 से लेकर 9 तक पहले हमारा जो पहले का लूप था, या आप देखें अगर ये वाला लूप, ये वाला लूप चल रहा है, उसके बाद 9 से लेकर फिर से 1 2 3 4 तक की वैल्यू चल रही है इस तरीके से 15, क्योंकि हमने पहले इंक्रीमेंट किया है इसलिए 0 की पहले वैल्यू 1 हो गई और फिर प्रिंट हुई, तो 1 से लेकर 15 तक। तो ये था आपका फॉर लूप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी लूप को इमिडिएटली स्टॉप करना होता है, रोकना होता है, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा ए नेम से और उसको मैं वैल्यू देता हूँ आपकी 15 वैल्यू या फिर 10 वैल्यू दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक फॉर का लूप लगाता हूँ, इसमें कंडीशन चेक कराता हूँ कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 20 होती है तब मैं ये लूप चलाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा 20, फिर लगाया मैंने कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले FMT और फिर लिखता हूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं डबल कोटेशन में वैल्यूज ऑफ ए इज फिर से मॉड डी और यहाँ पर लगाते हैं फॉरवर्ड स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए और फिर लगाते हैं कॉमा और यहाँ पर लिखते हैं ए। ये हमने देखिए एक स्टेटमेंट लिख दी। अब हमें क्या करना है, ए को इंक्रीमेंट भी करना होगा 1 बाय 1, तो ए को इंक्रीमेंट कर दिया हमने। अब हम कंडीशन लगाते हैं एक, अगर इफ़ ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो गई 15 से तो मैं चाहता हूँ कि ये लूप टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा इस तरीके से
इसे यहाँ पर करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, मैंने यूज़ कर लिया। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी, ये पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होगा हमारा। इसे से सेव करते हैं, इसे रन करेंगे, होप मैंने कोई एरर ना किया हो। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इंट की वैल्यू 10 हुई, ए की वैल्यू 20 से ट्रू थी, तो प्रिंट होगी हमारी 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन जैसे ही ए की वैल्यू 15 से ज़्यादा हुई तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इफ की कंडीशन, सॉरी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। तो ए की वैल्यू होगी 16 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू हो गई वैल्यू, तो ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही क्या हुआ, ये पूरा लूप हमारा टूट गया और ये लूप इसके बाहर आ गया। तो इसके बाहर हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी थी, इसके बाहर हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन लिखता तो वो एग्जीक्यूट हो जाती, क्योंकि लूप के बाहर आ गया हमारा कोड। अब देखिए इसी तरह से होता है, इसका अपोजिट होता है एक कंटिन्यू, वो भी ब्रेक स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन कंटिन्यू करता है दूसरी इल्टरेशन, जो आपकी दूसरी लूप होता है उसको कंटिन्यू कर देता है। तो देखिए उसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले फॉर, यहाँ लिखते हैं ए इस लेस देन 20, अगर लेस देन 20 होगा तो मैं इस लूप को चलाऊंगा, और इस लूप के चलते ही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन चेक कराता हूँ। और कंडीशन हमारी क्या होगी, देखिए कंडीशन ये होगी कि अगर इफ ए की वैल्यू 15 होती है, अगर ए की वैल्यू 15 होती है तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो जाए, हमारा कंटिन्यू हो जाए। पहले ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ए प्लस प्लस, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 इस तरीके से, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू 1, बात सेम ही है, प्लस प्लस इस तरीके से लिखा हमने। अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू, इस तरीके से हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए जो आउटपुट आएगा तब आपको मेन डिफरेंस समझ में आएगा। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, इसके बाद हम आ गए और यहाँ पर लिखते हैं हम कोड एफ एम टी डॉट, ये हम इफ स्टेटमेंट के बाहर आ गए, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एलन, प्रिंट एफ डबल कोटेशंस, और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज फिर से मॉड टी फॉरवर्ड स्लैश एन, और यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, फिर लिखते हैं ए। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब इसे इंक्रीमेंट भी करना होगा, ए प्लस प्लस इस तरीके से कर दिया, सेव करते हैं इसे, अब इसे रन करते हैं तो आप देखिएगा आउटपुट। तो देखिए क्या हुआ आउटपुट, सबसे पहले ए की वैल्यू 20 से लेस थी तो अंदर आया, और इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो कंटिन्यू हमारा रन नहीं हुआ, तो ये रन हुआ एफ एम टी डॉट प्रिंट, और प्रिंट में हमने क्या कहा था, ए इज 10, ए इज 11, 12, 13, 14। अब देखिए 15 हुआ प्लस प्लस, यहाँ पर 15 हो गया प्लस प्लस, उसके बाद देखिए क्या हुआ, फोर का लूप फिर से चला, फोर का लूप चला, 15 इज़ लेस देन 20, ट्रू हुआ, फोर के अंदर आया, इफ़ की कंडीशन 15 इज़ इक्वल टू 15, ट्रू होगी कंडीशन। फिर क्या हुआ देखिए, इंक्रीमेंट हुआ, 15 की वैल्यू 16 हुई, और कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू का मतलब यह है कि इसके बाद जो ये चलना था ये आपका नहीं चला, सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे जंप कर दिया इसने। नेक्स्ट इटरेशन की वजह से क्या हुआ, 15 आपका प्रिंट नहीं हुआ कंटिन्यू की वजह से, फिर 16, 17, 18, 19 इस तरह से प्रिंट हुआ। तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। जिसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। देखिए अभी तक हम इस मेन फंक्शन के अंदर कोड लिख रहे थे अपना, अब हम क्या करेंगे, एक खुद का एक फंक्शन बनाएंगे जिसे हम इसमें कॉल करेंगे। तो देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रखते हैं उसे हम एक फंक्शन कहते हैं। देखिए फंक्शन का मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है यहाँ, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एफ यू एन सी फंक्शन, फिर लिखना पड़ेगा फंक्शन का नेम, उसके बाद आपको बताना होगा पैरामीटर की लिस्ट कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर आप भेज रहे हैं, जैसे कि आप एक या दो पैरामीटर ही भेज सकते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा उसका रिटर्न टाइप कि ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये आपका रिटर्न टाइप, और ये होगा बॉडी जिसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा कोड लिखने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन में जाएंगे, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया ए नेम से, जिसको मैंने इंटीजर टाइप का था और वैल्यू दी मैंने इसे 100। इस तरीके से एक और वेरिएबल लेते हैं बी नेम से, जो कि होगा इंटीजर टाइप का, और इसे मैं वैल्यू देता हूँ 200। अब देखिए एक और वेरिएबल लेता हूँ क्या लेते हैं, जो क्या करेगा आपका एक इसे नेम देता हूँ पहले तो आर ई टी, और इंटीजर टाइप का, जो क्या करेगा मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इसको आर ई टी इजिकल टू मैक्स, ये क्या है मैक्स क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो हमने क्रिएट नहीं किया है अभी, इसको क्रिएट करेंगे हम,
और फंक्शन मैक्स जो फंक्शन है इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, एक पहला तो ए जाएगा हमारा जो 100 है जिसकी वैल्यू, और दूसरा वैल्यू जाएगी बी जिसकी वैल्यू वी है। और जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा मैक्स तो आर ई टी में स्टोर होगी और आर ई टी को हम प्रिंट करवा लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे एफ एम टी और फिर लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ लिखेंगे मॉड डी मैक्स वैल्यू इज मॉड, सॉरी मॉड का साइन मॉड डी फॉरवर्ड स्लैश एन लगा लेते हैं और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं आपका आर ई टी ताकि हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकें। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन क्रिएट करना है मैक्स नेम से जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। और देखिए फंक्शन को एक और इसलिए क्रिएट भी किया जाता है, देखिए अगर आप मैक्स कैलकुलेट करना चाहते तो यहाँ पर भी कोड लिख सकते थे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लेट अस सपोज कीजिए आपको एक प्रोग्राम है 1000 लाइन का प्रोग्राम है और आपको मैक्सिमम वैल्यू 10 जगह पे चाहिए निकालनी है, तो 10 जगह पे अगर आप मैक्सिमम निकालने का कोड लिखेंगे तो क्या होगा, आपका सिंटेक्स एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोड बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे रन करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होंगी उतने ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब हम एक ही तरह का कोड बार बार यूज़ करना होता है तो हम उसे फंक्शन में क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन में हमने क्रिएट किया हुआ है, हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले दिया है इसका नेम जो कि है मैक्स। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या देना है, सबसे पहले तो देना है इसके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स देखिए सबसे पहले पैरामीटर नम वन, जो नम वन है वो किसकी वैल्यू स्टोर करेगा, ए की वैल्यू को स्टोर करेगा और जो नम टू है वो बी की वैल्यू को स्टोर करेगा। और ये किस टाइप के हैं, आपके इंटीजर टाइप के हैं, तो बताना होगा हमें इंटीजर टाइप के हैं। अब हमें बताना होगा इसका रिटर्न टाइप क्या है, कि जो वैल्यू इसमें से पास होगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी इंटीजर टाइप की, तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर इस तरीके से। अब एक और हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग को भी रिटर्न करवाएंगे, तो ये इंटीजर टाइप का है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट नेम से जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। और रिजल्ट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं इफ, और यहाँ पर लिखते हैं नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, अगर नम वन नम टू से ग्रेटर होता है तो हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, सिंपल सी वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं रिटर्न करवा लेते हैं हम अपने, पहले तो रिजल्ट में स्टोर करा लेते हैं नम वन को, यहाँ लिखते हैं रिजल्ट और इसे स्टोर करा लेंगे नम वन में, क्योंकि नम वन वन हमारा ग्रेटर है तो नम वन में रिजल्ट को स्टोर करा लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करने वाले, देखिए एल्स लिखते हैं यहाँ पर और फिर हम लिखेंगे कोड रिजल्ट को स्टोर करा लेते हैं नम टू में, नम टू इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न इस तरीके से। और देखिए रिजल्ट क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिखा है रिटर्न टाइप, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक रिजल्ट को रिटर्न करना है जो है इंटीजर टाइप का। इसे सेव करते हैं और इसे रन करेंगे, तो यहाँ आते हैं अपने कोड में, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा था मैक्सिमम वैल्यू इज 200। अब देखिए जरा कोड को समझते हैं, तो देखिए सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू थी 100, इंटीजर की वैल्यू थी 200, मैक्स में गई सबसे पहले जब हमने मैक्स यहाँ से कॉल किया, तो देखिए नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू, ये कंडीशन फॉल्स थी। तो ये वाली कंडीशन रिजल्ट में कौन सी वैल्यू स्टोर है, नम टू की, नम टू में वैल्यू कौन सी थी, बी में, बी की, और बी में क्या वैल्यू थी 200, तो 200 हमारी स्टोर हो गई रिजल्ट में और रिजल्ट हमने रिटर्न कर दिया तो 200 पास हो गया। 200 किस में स्टोर हुआ, आर ई टी में स्टोर हो गया रिटर्न 200, और फिर 200 को हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अब देखिए इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने अभी एक ही वैल्यू रिटर्न करवाई है, एक वैल्यू, हम दो वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे जो भी होगा स्वैप नेम से। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एस डब्ल्यू ए पी स्वैप, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स लगाएंगे कॉमा, सॉरी कॉमा वाई, और ये किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, और जो रिटर्न करेंगे दो चीज़ें रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं वो भी पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, दो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इसमें, और इसमें सिंपल इसे कर देते हैं यहाँ से डिलीट, और हमें रिटर्न क्या करना है, सिर्फ रिटर्न करना है हमें वाई कॉमा एक्स, क्योंकि हम स्वैप कर रहे हैं तो वाई को और एक्स को रिटर्न करेंगे। अब देखिए मैं कोड लिखता हूँ फिर समझाऊँगा आपको क्या कर रहे हैं करके। सबसे पहले लिखते हैं ए
लगाएंगे यहाँ पर कॉमा बी, और इसको वैल्यू स्टोर कराएंगे स्वैप में। स्वैप हमारा जो फंक्शन, इससे जो वैल्यू आएगी हमारी वो ए और बी में स्टोर होगी। ये कोड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर स्वैप, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ सबसे पहले विजय, और कॉमा लगाएंगे डबल कोटेशन, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अजय इस तरीके से। अब देखते हैं, इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, और देखिए ए कॉमा बी, सेव करते हैं इसे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले क्या किया है हमने। एक फंक्शन बनाया स्वैप नेम से, जो दो तरह की वैल्यू लेगा, जो एक्स और वाई स्ट्रिंग टाइप की, और जो रिटर्न क्या करेगा, दो वैल्यू रिटर्न करेगा वो भी स्ट्रिंग टाइप की। और रिटर्न इसमें क्या हो रहा है, वाई और एक्स। हम देखिए स्वैप कर रहे हैं इसे, तो वाई को पहले रिटर्न कर रहे हैं फिर एक्स को इसके साथ। देखिए यहाँ से मैंने विजय को पास किया, विजय स्टोर होगा एक्स में और वाई में, ठीक है। और जब रिटर्न करेंगे तो वाई सबसे पहले विजय स्टोर होगा ए में, और एक्स एक्स में स्टोर होगा अजय, और एक्स जब पास होगा तो वो किस में होगा, बी में स्टोर होगा, और ए भी हम प्रिंट करवा रहे हैं। सेव करते हैं इसे। अब देखिए इसे रन करूँगा दोबारा से, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो आप देखेंगे अजय और विजय, जो सिंटेक्स पास किया था हमने किया था विजय और अजय, लेकिन हमारे हमें मिला क्या, अजय और विजय, तो हमने ये स्वैप कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन से जितने चाहें उतने पैरामीटर रिटर्न करवा सकते हैं, और जितने चाहें उतने पैरामीटर ले सकते हैं। आपको सबसे पहले उसका बताना होगा किस टाइप का आप रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं और किस टाइप का रिटर्न कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसमें हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल की और ग्लोबल वेरिएबल की। देखिए लोकल वेरिएबल जो आप किसी भी एक फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम कर रहे थे अभी तक, वेरिएबल इंट एक्स इंटीजर टाइप का वैल्यू दी मैंने इसे 10, ये आपका क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। अगर आप एक और फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करते हैं, कोई फंक्शन आपने क्रिएट किया, तो उसके अंदर आप इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है लोकल वैल्यू, लोकल वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वेरिएबल एक्स इंट और इसे वैल्यू दी मैंने 100, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अगर आप एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप इस जो आपका ये वेरिएबल है इसे यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर भी। तो ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस तरीके से 100, और एक फंक्शन के अंदर आप इस तरीके से लिख रहे हैं इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन एक्स, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी तब ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। इन द केस अगर आपके अंदर फंक्शंस के अंदर आपने अगर सेम नेम से वेरिएबल डिफाइन किया है, तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है वो राइट होगा, और अगर ये फंक्शन हमें यहाँ पर इसे नहीं मिला तब जाके ग्लोबल वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। तो ये डिफरेंस आपका ग्लोबल वैल्यू वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरेज के बारे में। तो देखिए कोई भी वेरे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जब हमें कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा एक साथ यूज़ करना होता है तब हम एरे का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल वी ए आर, उसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे, मैंने दिया एन इजिकल टू, फिर हम स्क्वायर ब्रेसिस में लिखेंगे इसका साइज़, कि इसका साइज़ क्या है, उसके बाद किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, उसका टाइप लिखेंगे, फिर आप इनिशियलाइज अगर उसको वैल्यू देना चाहते हैं तो इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1, 2, इस तरह से 5 वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं, 3, इस तरीके से जो भी आप वैल्यू देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितनी वैल्यू डालें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप साइज़ दें। अगर आप पता नहीं कि कितनी वैल्यू डालने वाले हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यू आप यहाँ डालेंगे उसके अकॉर्डिंग का साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। और ये देखिए जो 1 है हमारा, ये कौन सी पोजीशन पे स्टोर होगा, 0 पोजीशन पे, 23 सेकंड पोजीशन पे स्टोर होगा, 3 हमारा थर्ड पोजीशन पे स्टोर होगा, 3 हमारा सेकंड पोजीशन पे स्टोर होगा, 4 हमारा थर्ड पोजीशन पे स्टोर होगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, सबसे पहले तो हम एक कहते हैं फॉर का लूप बनाएंगे, उससे एरे में की पोजीशन पे वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, एक एरे, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर एन नेम से एक एरे बना रहे हैं और इसका साइज़ मैं दे रहा हूँ 10,
और एक किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का होगा हमारा इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक और वेरिएबल लेंगे वेयर आई कॉमा जे, और ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा ये भी। तो देखिए इसके बाद इसे यहाँ लेके आते हैं। अब एक लगाते हैं फॉर का लूप, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो एरे की पोजिशनिंग होती है वो ज़ीरो से होती है। फिर लिखेंगे आई इज लेस देन 10, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए, और फिर लिखेंगे आई प्लस प्लस इस तरीके से, और यहाँ लगा देंगे फॉर का लूप। अब देखिए इस फॉर के लूप में हम जो हमारा एन है इसकी पोजिशन पे, फर्स्ट पोजिशन पे, फर्स्ट पोजिशन क्या होगी आई, क्योंकि सबसे पहले आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, फिर वन होगी, टू होगी, तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगी इस तरीके से। इसकी हर पोजिशन पर मैं लिख लूँगा आई प्लस 100 कर देते हैं, प्लस 100 कर देंगे, इसकी हर एक वैल्यू 100 ऐड हो जाएगा आई की वैल्यू में। अब देखिए एक और लूप लगाएंगे ताकि हम इसके हर एक पोजीशन को प्रिंट करवा सकें। तो उसमें लेते हैं जे इज इक्वल टू ज़ीरो, सेमी कॉलन जे इज लेस देन 10, और सेमी कॉलन जे प्लस प्लस इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डबल कोटेशंस, और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट और स्क्वायर का साइन कि कौन सी पोजीशन है, पहले पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे मॉड डी इस तरीके से, और यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस देते हैं बीच में, फिर लगाएंगे मॉड डी, और फिर लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश एन ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। अब हमें बताना होगा कि ये पहला मॉड डी किसके लिए है, पहला मॉड डी है क्या, पहला मॉड डी है हमारा जे, ये जे की वैल्यू होगी, जे की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा एन जो हमारा एरे है एन उसकी जो पोजीशन पे हमारा स्टोर होगा। पोजीशन कहाँ से पता चलेगी, जे से पता चलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से एन जे, इसे सेव करते हैं, सेव करेंगे इसे, अब इसे रन करते हैं। में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेस के बारे में। देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं आपके, आपने जो हमने इससे पहले जो एरे पढ़ा था वो 1D एरे था, अब हम पढ़ेंगे 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो देखिए अगर हम 2D डायमेंशनल की बातें करें तो कैसे स्टोर होता है इसमें डाटा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका जो एरे है ये आपका 2D एरे है, 2D एरे में स्टोर हुआ है मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसी तरह से हम लोग एक एरे क्रिएट करने वाले हैं 2D एरे। तो देखिए सबसे पहले उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालेंगे, यहाँ लिखेंगे वेयर ए लिख दिया मैंने इसे नेम, और इसमें सबसे पहले मैं बताऊँगा कि पहला जो हमारा रोज़ है वो कितनी रोज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया 5 रोज़ हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स 2 हैं। जो कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल होते हैं, और जो रोज होते हैं आपके हॉरिजेंटल होते हैं। जैसे इस केस में था हमारे, अगर हम देखें 1 2 3, जो ये रो है ये 1 1 रो है, और क्या कहते हैं, और ये 1 2 3 कॉलम्स हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका टाइप बताना होगा इंटीजर टाइप का। उसके बाद देखिए हम लगेंगे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर सबसे पहले जो हम रो के लिए वैल्यू डालेंगे तो वो थी 0 कॉमा 0, ये रो के लिए हमारी वैल्यू हो गई। इसी तरह से फिर लगाएंगे कॉमा, और ये दूसरी रो के लिए का बात आएगी, अब ये दूसरी रो के लिए बात आई 1 कॉमा 2, दूसरी रो के लिए। इसी तरह से फिर से लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा 4 इस तरीके से। एक और वैल्यू डालते हैं कॉमा, कर्ली ब्रेसेस फिर से डालेंगे 3 कॉमा 6, और फिर से कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, और यहाँ पर वैल्यू डाली 4 कॉमा 6 वैल्यू हमारी ये आ गई। अब देखिए इसे हम प्रिंट भी करवाएंगे, तो सबसे पहले दो लूप लेने पड़ेंगे, एक आई के लिए एक जे के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आई
कॉमा जे, अभी किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा ये है 0,0, ये जीरो पोजीशन पे स्टोर है, ये वन पोजीशन पे स्टोर है, ये सेकंड पोजीशन पे स्टोर है, इस तरह से ये स्टोर है 3, 4, 5 पोजीशन पे। और अगर हम इसकी बात करें, ये अंदर जो जीरो है ये कौन सी पोजीशन पे स्टोर है, ये जीरो के जीरो पोजीशन पे स्टोर है। और ये वाला जीरो कौन सी पोजीशन पे स्टोर है, इसे देखिए वैल्यू 10 दे देते हैं। ये 10 कौन सी वैल्यू पे स्टोर है, ये जीरो की फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर है 10 हमारा। इसी तरह से ये कौन सी पोजीशन पे स्टोर है हमारा 2, अगर हम 2 की बात करें तो ये हमारा 1 पोजीशन की 1 पोजीशन पे है ये 2, ये 0 पोजीशन पे 1 है और 2 1 पोजीशन पे 2 है। तो ये पूरा हमारा ये जो सिंगल 2 है ये कौन सी पोजीशन पे स्टोर है, ये स्टोर है 1 की 1 पोजीशन पे। तो ऐसे एक्सेस करेंगे हम एक एक वैल्यू को। तो देखिए फॉर का लूप लगाएंगे, यहाँ पर दो फॉर के लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, इस तरीके से स्टार्टिंग हमने की, सेमी कोलन, आई इज लेस देन 5 क्योंकि हमारी ये वैल्यू 5 है, सेमी कोलन, आई प्लस प्लस 1 by 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और इस लूप के अंदर हम एक और लूप लगा रहे हैं, इसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप, फॉर जे इज इक्वल टू 0, सेमी कोलन, जे इज लेस देन हमारा होगा 2 और सेमी कोलन, फिर जे प्लस प्लस। और इस लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे, यानी कि fmt डॉट प्रिंट एफ सेमी कोलन और ए, इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले मोटी, फिर से मोटी। अब देखिए वैल्यू भी स्टोर करानी है, थोड़ा स्पेस देते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखते हैं मोटी फिर से। अब हमें बताना होगा कि जो पहला मोटी है किसके लिए है, तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे आई, ये हमारी इस आई पोजीशन के लिए, क्योंकि ये ऐसे होगा ना, देखिए जीरो पहले ये होगा, पहले ये जीरो रहेगा, फिर ये वन होगा, नहीं सॉरी, सबसे पहले ये जीरो रहेगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये दोबारा चेंज होगा और ये वन हो जाएगा, तो जीरो और टेन एक्सेस हो जाएंगे, फिर ये वन हो जाएगा और ये जीरो रहेगा और ये वन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और ये क्या रहेगा 0 1, ये चेंज होते रहेगा और ये थोड़ी देर बाद चेंज होगा, ये दो पोजीशन के बाद चेंज होगा इस तरीके से। देखिए फिर से समझाता हूँ आपको, अगर हम बात करें इसकी तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले मोडी की ये ज़ीरो रहेगा और उसके बाद जो दूसरा मोडी है यहाँ पर ये क्या होगा, ज़ीरो होगा, फिर ये चेंज होगा, फिर ये वन बनेगा। अब सिर्फ में दो ही वैल्यू हैं तो ये वन ही तक जा सकता है, उसके बाद क्या होगा हमारा, ये दोबारा से पोजीशन चेंज होगी, तो ये वन होगा और ये फिर जीरो रहेगा और ये फिर से चेंज होगा, फिर ये वन हो जाएगा, इसी तरीके से वन चेंज होगा फिर से, तो वन की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये दूसरा मोड डी है इसकी वैल्यू होगी 0, फिर दोबारा चेंज होगा 1 पे, इस तरीके से आपका लूप चल रहा है। और ये हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू दे दी आई। अब देखिए जो दूसरा मोड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारा डिपेंड कर रहा है जे पे, तो हम उसकी वहाँ पर क्या देंगे, जे वैल्यू देंगे, कॉमा जे लगाएंगे। अब देखिए ये जो मोड डी है ये क्या दिखा रहा है, ये आपको आंसर दिखा रहा है, तो ए की आई पोजीशन के जे पोजीशन, इस तरीके से हमने लिखा, बिल्कुल सेव कर लेते हैं इसे इस तरीके से और इसे रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पहली बात तो फॉरवर्ड स्लैश एन लगाना चाहिए था मेरे को ताकि हमारा अच्छा दिखे हमारा कोड, सेव करते हैं इसे, इसे फिर से रन करते हैं। तो देखिए 0 10 1 2 2 4 3 6 4 6, देखिए मैंने आपको बोला था 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1, तो ये था आपका रोज के लिए और ये था कॉलम्स के लिए। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अपने एरे को कैसे हम एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर को पास कर सकते हैं, जैसे हमारा एक फंक्शन है इसमें हम एरे एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो तरीके होते हैं इसके, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट अस सपोज कीजिए माय फंक्शन इस नेम से, इसके अंदर एक मैं पैरामीटर नेम का एरे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ प्रैम, ये हमारे एरे का नेम है, इसका साइज देंगे हम 10 और किस टाइप का एरे है, इन टाइप का एरे, ये इस तरीके से हम पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम बिना साइज के पास कर सकते हैं, तो ये दो तरीके हैं आपके एरे के पास करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे उसमें जितनी वैल्यूज होंगी
उनको कैलकुलेट करके उनका एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक एरे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वेयर, एक हमने एक एरे लिया उसका नेम दिया मैंने बी इज इक्वल टू, और ये साइज का नहीं देते हम, यहाँ पर देते हैं इंट, और इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो वैल्यू स्टोर कराई मैंने 1000, 1200, 1500, 5, 4 इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हमने स्टोर करवा ली इसमें। अब देखिए इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ए वी जे इज इक्वल टू गेट ए वी जे, गेट एवरेज निकालना है हमारा, ये मैं फंक्शन बनाऊँगा अभी। और इसके अंदर मैं पैरामीटर क्या पास करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर तो मैं पास करूँगा अपना बी को, ये एरे को पास करूँगा, दूसरी चीज़ कॉमा 5 जो इसका साइज़ है वो मैंने पास किया है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखूँगा एफ यू एन सी गेट ए वी जे, नेम से फंक्शन बनाया है मैंने। इसके अंदर सबसे पहले अब देखिए बता लेना भी पड़ेगा हमको, ये एरे टाइप का है तो यहाँ पर एरे क्रिएट करना पड़ेगा एक। तो यहाँ पर ए आर आर नेम से मैंने एरे क्रिएट किया जो था इंटीजर टाइप का, कॉमा लगाएंगे और फिर एक और नेम देंगे, मैं देता हूँ इसे साइज, और जो भी है इंटीजर टाइप का जो 5 होगा हमारा साइज में स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। और एक किस टाइप की वैल्यू होगी आपकी, इंटीजर टाइप ले लीजिए, फ्लोट ले लीजिए, जो आप ना चाहते हैं फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, तो हम इसे फ्लोट टाइप का रिटर्न कर लेते हैं। ये रिटर्न टाइप है हमारा, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल लेते हैं कुछ, जैसे कि आई कॉमा सम कॉमा, क्योंकि फॉर का लूप भी लगाएंगे यहाँ पर आई, और ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। अब देखिए थोड़ा ऊपर आते हैं, थोड़ा स्पेस देता हूँ मैं अपने आपको, यहाँ पर लिखते हैं वेयर ए वी जे एवरेज, और ये किस टाइप का होगा हमारा, फ्लोट टाइप का होगा, लिखते हैं फ्लोट 32 टाइप का, क्योंकि एवरेज की वैल्यू डेसिमल भी आ सकती है, इसलिए फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा आपका लूप, 1 से भी जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि वो 5 में जाके एंड हो जाए। तो यहाँ पर आई इज इक्वल लेस देन साइज, जो हमारा साइज है उससे कम होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो वैल्यू हमने दी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई प्लस प्लस इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम प्लस इज इक्वल टू ए आर आर आई, देखिए ये क्या कर रखा है मैंने, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई इस तरीके से, इसका इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, इस तरह से लिख सकते हैं आप, प्लस पहले लगाएंगे फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे सम कर लिया हमने इसे, अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले ए वी जे इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट 32, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखते हैं सम स्लैश डिवाइडेड बाय साइज इस तरीके से। अब देखिए इसको रिटर्न कर देंगे ए वी जे को, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ए वी जे, ये हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमें काम करना है अपना, ये रिटर्न हो गया आ जाएगा ए वी जे, ये ए वी जे इसमें यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ये ए वी जे, और इस ए वी जे को हम प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखते हैं ए वी जे इज, फिर लगाएंगे मॉड एफ, ये हमारा फ्लोट के लिए, फिर लगाएंगे डबल कोटेशंस कंप्लीट हो गया, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए वी जे इस तरीके से, सेव कर लेते हैं इसे और इसे रन करते हैं, होप कोई एरर ना आ रहा हो। देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल ए वी जे आ रहा है यहाँ पर 7 और 8 लाइन में, तो देखिए हाँ हमने क्या करा, हमने एक गलती कर दी, हमने एवरेज को डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ लिखेंगे वेयर ए वी जे, यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट 32 इस तरीके से, सेव कर लेते हैं इसे, अब कोई एरर हमारी नहीं आने वाली। तो देखिए द एवरेज इज 444.000। तो ये हमारी एवरेज कैलकुलेट होके आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एरे को अपने फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करवा सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स की,
देखिए पॉइंटर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो पॉइंटर से रिलेटेड या किसी भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं पॉइंटर्स की, पॉइंटर्स हैं क्या। देखिए जो आपका पॉइंटर होता है वो क्या करता है, पॉइंटर सबसे पहले तो एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या करता है, किसी और वेरिएबल के एड्रेस को अपने उसमें स्टोर करता है। तो लेट अस सपोज कीजिए एक हमारा पॉइंटर है पी, ये क्या करेगा, किसी और वेरिएबल, कोई और वेरिएबल है आपका ए नेम से, उसके एड्रेस को पी स्टोर करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिए एक वेरिएबल लिया, और ये आपका पॉइंटर का सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको बताना लिखना होगा वेर, फिर वेरिएबल का नेम लिखना होगा, और अगर ये वेरिएबल आपका पॉइंटर है तो यहाँ पर लगाना होगा एस्ट्रिक, और फिर वेरिएबल का टाइप। और ये वेरिएबल का टाइप है, ये इस वेरिएबल का टाइप नहीं है, जो पॉइंटर होता है जिसको पॉइंट कर रहा है। लेट अस सपोज कीजिए आपका एक पॉइंटर है पी, ये एक पॉइंट कर रहा है आपके किसी भी, क्या कहते हैं, लेट अस सपोज की फ्लोट वैल्यू को, तो आप उसका टाइप क्या लिखेंगे, फ्लोट। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले एक वेरिएबल लिखते हैं वी ए आर ए नेम से, इसको वैल्यू देता हूँ मैं 20, ये हमारा सिंपल एक वेरिएबल है। अब देखिए अब एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, ये वी ए आर लिखेंगे आई पी, और यहाँ पर लिखेंगे देखिए सबसे पहले एस्ट्रिक का साइन, और यहाँ पर लिखेंगे इंट। ये मैं इंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो आई पी है हमारा ये इस ए को पॉइंट करने वाला है, अभी हमने पॉइंट नहीं करवाया है, अभी हम पॉइंट करवाएंगे। तो देखिए टाइप करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले अभी लिखेंगे आई पी इज इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस का साइन लगाएंगे इस तरीके से, एंड परसेंट भी कहते हैं जिसे, एड्रेस का साइन कहता हूँ मैं। तो यहाँ पर एड्रेस का साइन और ए, जो ए का एड्रेस होगा वो हमारी आई पी में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए लगेंगे एफ एम टी डॉट, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ, इस तरीके से प्रिंट एलन आ गया, प्रिंट एफ करते हैं, और यहाँ पर हम अपने कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, इस तरीके से, स्पेलिंग छोड़ दीजिएगा अगर गलत भी हो गई तो हमारी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड का साइन, यहाँ पर लिखते हैं एक्स हमारे पॉइंटर्स के लिए स्लैश, पॉइंटर्स के, सॉरी पॉइंटर्स के लिए नहीं, वेरिएबल के एड्रेस के लिए, फिर लगेंगे फॉरवर्ड स्लैश एन यहाँ पर लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर हम एड्रेस बताएंगे कि हमारे ए का एड्रेस क्या है। तो एड्रेस का साइन लगाएंगे, ए का एड्रेस बता रहे हैं, इससे क्या होगा हमारा ए का एड्रेस प्रिंट होगा। फिर अब दूसरी चीज़ हम लिखेंगे एफ एम टी, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में, कॉपी कर लेंगे यहाँ इसे कर लेते हैं पेस्ट। अभी देखिए अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है पॉइंटर्स की, तो अभी आने वाले ट्यूटोरियल में कॉल बाय रेफरेंस बताऊंगा, तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस ऑफ अ आई पी, एड्रेस स्टोर्ड इन आई पी, आई पी वेरिएबल, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखते हैं अपना मोड एक्स स्लैश आई पी, आई पी, ये आई पी क्या करेगा, जो आई पी में जो एड्रेस स्टोर है वो एड्रेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से इसी को पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ देखते हैं वैल्यू, वैल्यू ऑफ आई पी वेरिएबल, यहाँ लिखते हैं मोड डी, और यहाँ पर लिखते हैं एस्ट्रिक आई पी। अब देखिएगा तीनों चीज़ों में डिफरेंस, तीनों आउटपुट में डिफरेंस क्या आता है, इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल C043, ये तो आपका एड्रेस पता चल गया, एड्रेस स्टोर इन आईपी वेरिएबल, जो आईपी में हमने स्टोर किया था। देखिए यहाँ पर अगर कोड से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर स्टोर किया था आईपी में एड्रेस, वो भी आ गया लिखा हुआ। अब देखिए वैल्यू ऑफ आईपी वेरिएबल 20 लिखा है इसमें। तो देखिए जब हमने यहाँ पर देखिए डिफरेंस, देखिए अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ एस्ट्रिक लगा रखा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ आईपी था तो इसका एड्रेस आया, क्योंकि आईपी में एड्रेस स्टोर हुआ। जैसे ये पॉइंटर का साइन आया तो ये पॉइंटर क्या करेगा, जो आईपी में जो एड्रेस स्टोर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो आपका पॉइंटर क्या करता है, किसी और वेरिएबल को एड्रेस को पॉइंट करता है, और जब आप उसे एस्ट्रिक के साथ एक्सेस करते हैं, तो देखिए एस्ट्रिक के साथ हमने इस आईपी को, इस पॉइंटर को एक्सेस किया, तो इसने क्या करा, जो इस पर एड्रेस स्टोर है, इस पर जो एड्रेस स्टोर है वो प्रिंट कर दिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर।
तो देखिए जब एक पॉइंटर हमारे दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है तब हम उसे यूज़ कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इंटीजर नेम से हमने। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल आपका पॉइंटर ले लेंगे जो क्या होगा आपका इंटीजर टाइप को पॉइंट करेगा इस तरीके से। और एक और पॉइंटर ले लेते हैं पी पी टी आर नेम से और इसे हम कहते हैं एस्ट्रिक इंट इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे ए को वैल्यू देते हैं, ए को वैल्यू दी मैंने 100 इस तरीके से। और फिर हम लोग कहेंगे पी टी आर को वैल्यू देंगे, तो पी टी आर में क्या वैल्यू स्टोर कराऊंगा, मैं अपना एड्रेस स्टोर कराऊंगा, किसका ए का एड्रेस स्टोर कराऊंगा। अब देखिए जो पी पी टी आर है हमारा उसमें क्या कराता हूँ मैं, उसमें स्टोर कराता हूँ मैं अपने पी टी आर का एड्रेस, ये जो पी टी आर है इसका एड्रेस स्टोर करवा रहा हूँ मैं इसमें। अब देखिए अब हम इस पॉइंटर से भी इस ए को एक्सेस कर पाएंगे और इस पॉइंटर से भी इस ए को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ एफ एम टी फॉर्मेट, टाइप लगाते हैं एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ और इसके अंदर लिखते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर लिखते हैं मॉड डी फॉरवर्ड स्लैश एन और कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज करना है, पेस्ट करते हैं इसे, पेस्ट करते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज, पॉइंटर से एक्सेस करेंगे इसे तो यहाँ लिखेंगे एस्ट्रिक पी टी आर, तो ये ए की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करके दे देगा। और अगर हम डबल एस्ट्रिक लगाएंगे तो ये पी टी आर पी पी टी आर ये भी हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। सेव कर लेते हैं इसे, होप मैंने कोई एरर ना किया हो। और यहाँ पर इसे इस तरह से लेके आते हैं रन सेव कीक्स और ये 100 100 100 हमारी वैल्यू हमारी इस तरीके से प्रिंट होके आ गई। तो आप डबल पॉइंटर से भी, ये पॉइंटर क्या कर रहा था, इस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा था और ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, इस पॉइंटर को, इसे ए को पॉइंट कर रहा था। तो आपने क्या किया, डबल एक्सिस लगा के आपने इस ए को एक्सेस कर लिया। तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम एक पॉइंटर को कैसे फंक्शन में पास कर सकते हैं और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस, और जो हम एग्जांपल लेंगे वो दोनों चीज़ को कवर कर लेगा, दोनों का एग्जांपल है वो कि क्या कहते हैं पॉइंटर को कैसे फंक्शन में पास किया जाता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। और हम एक और चीज़ होती है कॉल बाय वैल्यू, तो इससे पहले बाद वाले ट्यूटोरियल में, इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा इसमें मैं कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगा, तो आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस पता चल जाएगा और कॉल बाय रेफरेंस क्यों यूज़ करते हैं और कॉल बाय वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस की, या फिर कह लीजिए कि किसी भी अपने पॉइंटर को कैसे फंक्शन पास किया जाता है। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया ए नेम से जिसमें मैंने वैल्यू दी जो था इंटीजर टाइप का, उसमें वैल्यू दी मैंने 100 इस तरीके से। एक और वेरिएबल लेंगे बी नेम से, इंटीजर टाइप का होगा और उसमें वैल्यू में स्टोर कराऊंगा 200। अब हम क्या करेंगे इसे प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एम टी प्रिंट एफ और यहाँ पर लिखते हैं बिफोर स्वैप, स्वैप करा रहे हैं हमारे हम बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज, क्योंकि देखिए स्वैपिंग से ही आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया मिल सकता है कि आपका कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है और पैरामीटर में फंक्शन को कैसे पास किया जाता है, सॉरी पॉइंटर को फंक्शन में कैसे पास किया जा सकता है। और यहाँ लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश एन और यहाँ पर लिखते हैं कॉमा लगा के ए, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे ए और इसे कॉपी करते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट इस तरीके से। और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ बी और यहाँ पर पास करते हैं बी को इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें स्वैप करना है, तो स्वैप का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो देखिए उसका नेम होगा स्वैप और उसके अंदर हम लोग पास क्या करेंगे, एड्रेस पास करेंगे, किसका एड्रेस, ए का एड्रेस पास करेंगे और दूसरा चीज़ हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ बी। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम एड्रेस क्यों पास कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसका आपको जवाब इसके नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में पक्का मिल जाएगा, क्योंकि मैं कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय रेफरेंस में। तो देखिए ये स्वैप को करते हैं और स्वैप का फंक्शन भी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है स्वैप का फंक्शन, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बनाना है स्वैप का, तो यहाँ लिखेंगे एफ एन सी और यहाँ पर लिखते हैं स्वैप। और अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स और फिर हम लगाएंगे पॉइंटर का साइन और लिखेंगे इंट, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं इसलिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जो पॉइंटर टाइप का हो और जो इसको पॉइंट करे, हमारे एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब देखिए फिर लगाते हैं कॉमा वाई और ये भी किस टाइप का होगा, पॉइंटर टाइप का होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से
एस्ट्रिक पॉइंटर लगाते हैं करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम एक सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प नेम से, टेम्प टेम्परेरी का शॉर्ट फॉर्म टेम्प, और ये क्या होगा इंटीजर टाइप का होगा। अब देखिए हम इस टेम्प में क्या स्टोर कराएंगे, जो इस एक्स में स्टोर होगा इसका एड्रेस, एक एड्रेस इसको स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एस्ट्रिक, सॉरी एस्ट्रिक का साइन और एक्स। अब देखिए एस्ट्रिक एक्स से क्या पता चल रहा है, एक्स सिंपल अगर हम सिर्फ एक्स लिखते हैं तो एक्स से पता चलेगा ए का एड्रेस, और एस्ट्रिक से क्या पता चलेगा उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है तो वो हम टेम्प के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स इस तरह से। अब हम लिखेंगे एस्ट्रिक एक्स, देखिए एक्स की वैल्यू टेम्प में स्टोर करा दी तो एक्स में हम लोग क्या कराते हैं स्टोर वाई की वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। तो वाई की वैल्यू स्टोर हो गई, और हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू में टेम्प की वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा आपका स्वैप हो जाएगा टेम्प, इस तरीके से टेम्प को हमने स्टोर कर लिया। सेव कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। अब देखिए हमने सेव कर लिया है, यहाँ से मैं स्वैप इसे कॉल कर लेंगे, स्वैप हो जाएगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ डबल कोटेशन, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर स्वैप, स्वैप वैल्यू ऑफ ए इज मॉन्टी फॉरवर्ड स्लैश एन, और फिर लगाएंगे हम यहाँ पर कॉमा ए, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर लेंगे दोबारा से, यहाँ पर करते हैं बी और यहाँ पर भी करते हैं बी। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसे रन करेंगे हम, तो देखिए पहले लिखा हुआ है द बिफोर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 100, बिफोर स्वैप द वैल्यू ऑफ बी इज 200, और फिर लिखा है आफ्टर स्वैप द वैल्यू ऑफ ए इज 200 एंड आफ्टर वैल्यू ऑफ बी इज 100। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई स्वैप हो गई। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। देखिए हमने क्या किया इसे एड्रेस वाइज स्वैप कर दिया है। अगर हम यहाँ पर एड्रेस पास नहीं करते, जो कि आपको अगले वाले ट्यूटोरियल में समझ जाएगा कॉल बाय वैल्यू में, तो अगले वाले ट्यूटोरियल में आपको मैं इसके साथ कॉल बाय वैल्यू समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कोई ये कोड समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको कमेंट में ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू की, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉल बाय रेफरेंस जिसका एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखिए जो हम स्वैप कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम वैल्यू स्वैप नहीं कर रहे हैं कि 100 को 200 स्वैप कर लिया, 200 को 100 स्वैप कर लिया। एक्चुअली में जो हमारा एड्रेस है एक्स और वाई में जो एड्रेस स्टोर हुआ है ए और बी का, उसे हम स्वैप कर रहे हैं। तभी हमारा मेन जो वेरिएबल है यहाँ पर ए और बी, इसकी वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं जब हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम इसे कॉल बाय वैल्यू के द्वारा सिर्फ वैल्यू पास करके स्वैप कराते हैं तो देखिए डिफरेंस क्या आएगा। सबसे पहले स्वैप में यहाँ पर इसे डिलीट करना पड़ेगा, एड्रेस पास नहीं करेंगे, वैल्यू को पास कर रहे हैं, उसके बाद हमें पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्स इंट टाइप का वाई इंट टाइप का, ये हमारा सही हो गया, और यहाँ से भी इन एस्ट्रिक की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर सारे एस्ट्रिक डिलीट कर दे रहा हूँ तो सिर्फ वैल्यू स्वैप हो रही है, 100 की वैल्यू 200 से स्वैप हो रही है और 200 की वैल्यू 100 से स्वैप हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर इसे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इसे प्रिंट करवा रहे हैं अपना, देखिए आप मैंने एक लाइन यहाँ से खा दी शायद, इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं बी और यहाँ भी करते हैं बी। तो देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ वैल्यू स्वैप हो रही है लेकिन जो हमारी मेन वेरिएबल है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जब हम इसे एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखिएगा पहले मैं सेव कर लेता हूँ अच्छे से ताकि कोई एरर ना आ जाए, और इसे करते हैं रन, ऐसे पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे देखिए बिफोर स्वैप वैल्यू इज 100 200 100 और 200 सेम रह रही है वैल्यू। क्यों हो रहा है ऐसा, जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस ही स्वैप हो जा रहा है हमारा। तो ये समझ लीजिए अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ आपको, तो आपका एक घर है और आपके एक फ्रेंड का घर है, तो जब आप दोनों इंटरचेंज हो जा रहे हैं, आप उसके घर में रह रहे हैं और वो आपके घर में रह रहा है, तो जब आप के पास कोई मैसेज आएगा तो वो आपके घर में चले जाएगा, तो उससे कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा पड़ने वाला। अगर आप घर ही चेंज कर दें उठा के अपना, उसका घर अपनी पोजीशन पर अपना घर उसकी पोजीशन पर, तब वो चेंजेस हो जा रहा है। तो घर उठा के चेंज करना क्या है, ये एड्रेस पास करके कॉल बाय रेफरेंस,
और सिर्फ अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेना क्या है, कॉल बाय वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस में। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर और एरे बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। एरे में अगर जिस टाइप का आप डेटा टाइप बता रहे हैं, जैसे आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, तो सिर्फ आप सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज में स्टोर करा सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप डिफरेंट डेटा टाइप की जैसे स्ट्रिंग की भी इंटीजर भी साथ में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, टाइप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टाइप, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह से, मैं नेम दे रहा हूँ इसे बुक्स, जो स्ट्रक्चर का नेम है, आप इसे स्ट्रक्चर का नेम भी कह सकते हैं। और अगर टेक्निकली हम इसे देखें तो ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर का डाटा टाइप है, कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है हमारा। और आप इसे अपने मन से बता सकते हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं आप इसे, तो ये आपका बताएगा कि ये स्ट्रक्चर का डाटा टाइप है। देखिए जब हम इसके मेन के अंदर से यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए अभी आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर का नेम है बुक्स, बस इतना समझ लीजिए। और टेक्निकल टर्म अगर इसमें हम कहें तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर का डाटा टाइप बता रहा है, वेरिएबल टाइप ये बुक्स। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखते हैं टाइटल, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद हम लोग देते हैं एक आईडी, जो कि हमारी होगी इंट टाइप की। देखिए दो अलग अलग डाटा टाइप हैं, वो हमने स्ट्रक्चर में यूज़ कर लिए। अब देखिए इसे मेन में यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ मैं बुक वन। अब इस ये बुक वन हमने दे दिया, अगर आपको वेरिएबल याद होगा तो सबसे पहले हम नेम देते हैं, उसके बाद उसका टाइप देते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का डाटा टाइप है उसका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अगर मैं इंट नहीं ले सकता क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है, और इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यू भी है। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग भी नहीं ले सकता तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, कौन सा डाटा टाइप लिखूंगा, मैं लिखूंगा बुक्स डाटा टाइप, ये बुक वाला बुक्स डाटा टाइप। तो तभी मैंने आपसे बोला था ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वेरिएबल का डाटा टाइप है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया एज अ बुक्स, ये इसका डाटा टाइप बता रहा है, इस वेरिएबल का ये डाटा टाइप है। पूरा ही डिलीट हो गया ये। तो अब देखिए एक और वेरिएबल बनाएंगे, और देखिए जितने वेरिएबल आप इसमें बनाएंगे उन सब के पास सेट ऑफ, अपना अपना सेट ऑफ क्या होते हैं, वेरिएबल्स होंगे। तो देखिए बुक वन के पास अपने टाइटल और स्ट्रिंग होंगे, और बुक टू के पास, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी बुक टू, इसके पास अपने स्ट्रिंग और क्या होते हैं आईडी होगी, अपना टाइटल और अपनी आईडी होगी। तो यहाँ लिखते हैं बुक्स, ये हमने इसे डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसमें वैल्यू शो कराने की बात आती है, इसको इनिशियलाइज कैसे कराएंगे, इसमें वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कराते हैं बुक वन में, बुक वन समझ लीजिए बुक वन आपकी है। तो बुक वन में आप सबसे पहले एक टाइटल लेते हैं, एक बुक लेते हैं जिसका नाम है टाइटल, और जिसका नाम आपने लिखा सी एक्स गीक्स की एक बुक है आपके पास, टाइटल इसका ये है, और इसकी आईडी भी चाहिए आपको। तो यहाँ पर बुक वन डॉट आईडी लिखेंगे तो आप इस आईडी को एक्सेस कर पाएंगे। और इस आईडी में क्या स्टोर करवाएंगे आप, इसको करा सकते हैं वन इस तरीके से। अब देखिए बुक टू, बुक टू आपका फ्रेंड है, और उसके पास भी एक बुक है टाइटल, उसमें स्टोर करवाते हैं। और इसके पास है आपकी प्रोग्रामिंग की कोई बुक प्रोग्रामिंग, और इसके पास उसकी आईडी भी है, तो यहाँ लिखेंगे बुक टू डॉट आईडी। डॉट से आप क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू टू, ये हमने आईडी दे दी। अब देखिए इसे प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले fmt.printf इस तरीके से, और इसे थोड़ा इस तरह से लेके आते हैं। तो सबसे पहले देते हैं फॉर्मेट डबल कोटेशंस, और इसके अंदर लिखते हैं बुक वन टाइटल इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे मॉड एस, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और इसे यूज़ करेंगे बुक वन डॉट टाइटल से इसे एक्सेस कर लेंगे, ये हमने इसे कर लिया। इसी तरह से हम आईडी भी प्रिंट करवा लेंगे, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आईडी के लिए मॉड टी, और यहाँ पर लिखना बुक वन डॉट आईडी इस तरीके से। इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बुक टू को भी प्रिंट करवा लें, और फॉरवर्ड स्लैश एन लगाना भूल गए, फॉरवर्ड स्लैश एन भी लगा लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसे कर लेते हैं पेस्ट। और ये किस लिए, बुक टू का टाइटल और बुक टू की आईडी भी प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे आईडी, और यहाँ पर लिखते हैं आईडी
इस तरीके से, और यहाँ पर लिखते हैं बुक टू, ताकि हम बुक टू की आईडी को, बुक टू के टाइटल को एक्सेस कर सकें। और देखिए अपने अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे इनके पास, अपने सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो एक यहाँ पर जैसे आप इसमें चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम सी एच की, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाले इसे, क्योंकि जो बुक वन है उसके पास खुद के वेरिएबल्स हैं टाइटल और आईडी, और बुक टू के पास खुद के टाइटल और आईडी हैं। ये हमने कर लिया, कोड हमारा हो गया है कंप्लीट। इसे कर लेते हैं सेव और इसे करते हैं रन। तो देखिए सिंटेक्स एरर आ रहा, अनसेपरेटेड आफ्टर द टॉप ऑफ द डिक्लेरेशन। चेक करते हैं क्यों आ रहा है एरर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, स्ट्रक की str होगा यहाँ पर, r r हमने लिखना भूल गए थे, तो हम r इस तरह से लिख लेंगे। सेव कर लेते हैं इसे, अब इसे करते हैं रन। तो देखिए बुक वन टाइटल सी एस गीक्स, बुक वन आई डी वन, बुक टू टाइटल प्रोग्राम, बुक टू आई डी टू। तो ये था आपका स्ट्रक्चर जिसमें आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को साथ में स्टोर करके रख सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे हम एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो देखिए इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास करने वाले हैं। तो देखिए ये हमने इसे डिफाइन कर दिया है और इसे हम पहले कर लेते हैं कट, इस चीज़ को कट कर लेते हैं, यहाँ से हमने कट कर लिया इसे। अभी हम क्या करेंगे, इसे फंक्शन में पास करेंगे इस हमारे स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और ये हमारे फंक्शन का नेम है प्रिंट बुक के, बुक ये हमारे फंक्शन का नेम है। और इसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, अपने बुक वन को, ये जो बुक वन है वेरिएबल हमारा है, इसके अंदर इसको पास कर रहे हैं अपने फंक्शन में। इसी तरह से फिर से प्रिंट बुक दो बार कॉल करेंगे, बुक टू को भी अपने फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। सेव करते हैं इसे। अब देखिए हमें फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे FUNC फंक्शन, और यहाँ लिखेंगे प्रिंट, यहाँ लिखते हैं बुक, और बी कैपिटल होगा बुक इस तरीके से। और इसके अंदर अब हमें बताना होगा किस टाइप का हम ले रहे हैं वेरिएबल। तो देखिए सबसे पहले तो वेरिएबल का नेम देते हैं, और इस वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ मैं बुक इस तरीके से, और ये किस टाइप का है, और ये हमारा किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का, ये वेरिएबल टाइप मैंने आपको बताया था। तो इसमें लिखेंगे इस तरीके से बुक्स पास करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखते हैं fmt.printf, जो हमने कट किया था उसी को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरीके से। और थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा हमें बुक, इसे हटा के ये बुक लिखना पड़ेगा बुक, क्योंकि ये हमारा जो वेरिएबल है ये बुक, ये यहाँ पर लिखना बुक डॉट टाइटल, और फिर बुक डॉट आई डी, बुक डॉट आई डी, और यहाँ पर भी बुक, और यहाँ पर भी इसे कैपिटल कर देते हैं बुक इस तरीके से। अब देखिए अब इसे रन करते हैं, हो कोई एरर ना किया हो। सेव, कॉपी पेस्ट करने में हमेशा कोई ना कोई एरर पक्का आ जाता है। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो देखिए इनवैलिड इनडायरेक्ट बुक टू डॉट कॉम, तो चेक करते हैं क्या एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स एरर सबसे पहले तो यहाँ एक एस्ट्रिक पता नहीं कहाँ से आ गया, इसे डिलीट कर लेते हैं। और दूसरी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हम दो दो बार नहीं प्रिंट करवाएंगे, इसे एक ही बार प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि वन बाय वन पास होगा तो ऑटोमेटिकली दो टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि दो बार इसे कॉल कर रहे हैं। सेव करते हैं इसे, रन करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया बुक वन टाइटल सी एस एक्स, बुक वन आई डी वन, बुक वन टाइटल प्रोग्राम, बुक वन आई डी टू। तो आप इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्सन की। देखिए रिकर्सन क्या होता है, जब एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्सन। तो देखिए सबसे पहले इसका सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है फैक्टोरियल, जब हम किसी फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, या फिर फिबोनाची सीरीज। तो देखिए फैक्टोरियल का कोड मैं आपको बता रहा हूँ, फिबोनाची सीरीज आप खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो देखिए सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं FUNC फंक्शन इस तरीके से, और इस फंक्शन को नेम देते हैं हम फैक्टोरियल, RIL फैक्टोरियल,
और इसमें किस टाइप का डेटा टाइप पास होगा, ए आई नेम देते हैं इसे, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए इसे डिलीट कर लेते हैं, और ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ऑटो करेक्ट ये बहुत ही दिक्कत करता है, इसे लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ की कंडीशन, इफ़ अगर आई जो होगा हमारा 1 से कम होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं आई इज लेस देन इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1 को, यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न कर देंगे 1। अगर ऐसा नहीं होता है, 1 से कुछ ज़्यादा डिजिट बड़ी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न आई इंटू, हम लोग क्या करें इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल और इसके अंदर पास करते हैं आई माइनस 1, क्योंकि आपको अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आता होगा, तो जैसे हम लेटर सपोज़ किए 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा फैक्टोरियल इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, पहले आई जो हम पास करेंगे इसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1 माइनस कम से, और क्या कर रहे हैं देखिए इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। तो ये था आपका रिकर्सन। अब देखिए मेन प्रोग्राम में आएंगे अपने, और यहाँ पर सबसे पहले एक लिखते हैं वेरिएबल आई नेम से, जो इंटीजर टाइप का होगा, जिसमें हम लोग वैल्यू देते हैं 5। अब यहाँ पर लिखते हैं fmt डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट कम ऑन कंप्यूटर प्रिंट एफ, और इसके अंदर वैल्यू पास करते हैं द फैक्टोरियल इज मॉडी, और यहाँ लाते हैं फॉरवर्ड स्लैश एन लगा लेते हैं, यहाँ लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल आई। हम देखिए इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर पास क्या कर रहे हैं, आई आई में वैल्यू क्या है 5, 5 की वैल्यू इसमें जाएगी, आई में स्टोर होगी। पहले सबसे पहले तो कंडीशन चेक होगी, इफ़ की कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर 5 इंटू फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पर जाएगी वैल्यू 4, और 4 फिर से इंटू होगा, तो अपने आप ही अपना फंक्शन अपने आप से ही बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसे इस तरीके से रन किया तो द फैक्टोरियल इज़ 120 आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकर्सन का यूज़ करके एक ही फंक्शन को अपने फंक्शन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए आपको फिबोनाची सीरीज़ का कोड लिखना है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है फिबोनाची सीरीज़ में, या फिर इस ट्यूटोरियल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। हाँ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्लाइस के बारे में। देखिए स्लाइस और एरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस एरे और स्लाइस में ये है कि जो स्लाइस होता है आपको बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करने की छूट देता है, जैसे कि उसको अपेंड करना है, उसको साइज इंक्रीज करना है, कुछ कहते हैं डाटा एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, आप एरे में ये सब नहीं कर सकते, लेकिन आप स्लाइस में ये सब कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उसको स्लाइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया arr नेम से इज इक्वल टू लगाएंगे इस तरीके से कोलन इज इक्वल टू लगाएंगे, और फिर हम लोग क्या देंगे स्क्वायर बेसिस, और यहाँ पर देंगे 5, ये हमने दे दिया इसका साइज। उसके बाद देंगे हम किस टाइप का है हमारा, इंटीजर टाइप का है, और इसमें वैल्यू डालेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कुछ वैल्यू डाल दी हमने। अब देखिए आप एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, तो उसे नेम देता हूँ मैं slc स्लाइस कोलन इज इक्वल टू इस तरीके से कोलन इज इक्वल टू, और फिर हम लोग क्या करेंगे जो ये हमारा एरे है इसको इसके अंदर पास करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एरे, और फिर हम देखिए स्टार्टिंग करेंगे 0 से, और कहाँ तक देंगे, देखिए स्लाइसेस में आप इस एरे को सब डिवाइड भी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से लेकर अगर मैं 3 तक करूँ तो ये हमारा एक स्लाइस क्रिएट हो गया, जो क्या करेगा 0, 1 और 2 को इंक्लूड करेगा। देखिए ये जब 0 आप यहाँ लिखते हैं तो इसको इंक्लूड होता है, लेकिन जो 3 आप लिखेंगे वो इंक्लूड नहीं होता है, 3 मतलब पोजीशन है, तो देखिए ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, सिर्फ यहीं तक ही आपका डाटा आएगा। तो देखिए इसे प्रिंट करवाते हैं, तो लिखते हैं fmt डॉट प्रिंट लाइन प्रिंट ln प्रिंट ln, और इसके अंदर हम लोग पास क्या करेंगे
सबसे पहले तो हम एरे का साइज निकाल लेंगे, जो हमारे एरे का साइज है, और हमारे जो स्लाइस का लेंथ है वो भी निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले स्लाइस की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे SLC कॉमा लिखेंगे, और फिर हमारे वहाँ स्लाइस में एक इनबिल्ट मेथड मिलता है हमें NEL, जो क्या करता है लेंथ फाइंड आउट करता है किसी भी स्लाइस की। तो यहाँ लिखेंगे SIC इस तरीके से, ये क्या करेगा हमें लेंथ फाइंड करके दे देगा। तो सेव करते हैं इसे, अब देखिए इसे रन करेंगे, यहाँ लिखते हैं गो CSS की, तो यहाँ पर देखिए कोई एरर दिखा रहा है हमें, CLC लिखना है हमें यहाँ पर। सेव करते हैं इसे और इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा रहा है 1 2 3, ये तो हमारा जो एरे दिखा रहा है शो कर रहा है, और जो 3 है ये हमें लेंथ दिखा रहा है, इस स्लाइस की लेंथ कितनी है। अब देखिए इसमें आप अपेंड कैसे करेंगे, कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि आप वेरी भी कर सकते हैं इसे, जैसे कि 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो 2 से लेकर एंड तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो 2 पोजीशन है, वहाँ से एंड पोजीशन तक सारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसे रन करके देखते हैं, तो देखिए 3 4 5, और पोजीशन बता दी इसने, सॉरी इसने लेंथ बता दी कि 3 है। इसी तरीके से अगर आप दोनों जगह से छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट जहाँ तक एंड होगा वहाँ तक चलेगा। इसे भी सेव कर लेते हैं और इसे रन करेंगे, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, और इसका जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है, लेंथ आ रही है वो भी 5 आ रही है। अब देखिए इसे अपेंड कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, ये आप एरे में नहीं कर सकते लेकिन आप स्लाइस में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम लोग एक और कोड लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं SLC इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे अपेंड, अपेंड करने के लिए, और फिर आप लिखेंगे SLC, फिर लगाएंगे कॉमा, और फिर लिखेंगे कोई भी वैल्यू जो आप देना चाहते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 45। अगर मैं अब इसे प्रिंट करवाऊँ, इसे यहाँ सेव कर लेते हैं इसे अच्छे से, अब इसे रन करते हैं, तो आप देखेंगे देखिए 1 2 3 4 5, 45, 6, ये हमारी अपर में वैल्यू ऐड हो गई। अब देखिए अगर मैं एरे को प्रिंट करवाऊँ तो उससे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ARR इस तरीके से, सेव करते हैं इसे, उसे रन करते हैं, तो आप देखेंगे देखिए इसमें जब हमने अपेंड किया तो सिर्फ स्लाइस में हमारी वैल्यू ऐड हुई, एरे में हमारी वैल्यू ऐड नहीं हुई। तो देखिए ये भी फ़ायदा होता है स्लाइस का, कि अगर आपको एरे में पर्टिकुलर चेंज नहीं करना है, परमानेंटली चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसके कुछ थोड़ी देर के कुछ पार्ट में चेंज करना है, तो आप स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियडिक फंक्शन के बारे में, देखिए वेरियडिक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, आप उसे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। देखिए जितने भी फंक्शन हम इस तरीके से क्रिएट करें, जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया ए नेम से, तो मैं बताना पड़ रहा था कि इसमें कितने पैरामीटर आ सकते हैं, जैसे कि a, p, इस तरीके से 2 पैरामीटर आएंगे, तो हम यहाँ से सिर्फ 2 पैरामीटर भेज सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ से कितने भी पैरामीटर, जब इसे कॉल करेंगे ए को, तो आप कितने भी पैरामीटर भेज सकते हैं, जैसे कि आपने भेजा इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर भेज लिए आपने, कॉमा लगा लेते हैं बीच में सबके, तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे पैरामीटर भेज दिए यहाँ से, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कितने पैरामीटर यहाँ से पास हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वेरिएडिक फंक्शन। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले FUNC लिखना है, फिर आप अपने फंक्शन को कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ वेरिएडिक इस तरीके से। अब देखिए इसके अंदर आप सबसे पहले तो लिखेंगे पैरामीटर प्राइम्स, ये मैं नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं अपना नेम, और किस टाइप के आपकी वैल्यू आ रही है, किस टाइप के आप पास करना चाहते हैं, स्ट्रिंग डाटा, स्ट्रिंग टाइप डाटा, या फिर इंटीजर टाइप डाटा, जो भी आप तो इंटीजर टाइप भेज रहे हैं इस केस में, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, और ये सही हो गया बिल्कुल। अब लिखेंगे हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं FMT.printf, और सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि जो प्राइम्स है हमारा ये किस टाइप का है। तो देखिए उसके लिए मॉड टी लिखेंगे, कैपिटल टी, और उसके बाद लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश एन, और फिर हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ मॉड वी फॉरवर्ड स्लैश एन फिर से, ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में आए, फिर हमने क्या करना है यहाँ पर लगाना है कॉमा, और सबसे पहले बात करना है हमें प्रैम्स, और कॉमा लगाना है, फिर से पास करना है प्रैम्स इस तरीके से। ये प्रैम्स हमारी, ये वाला प्रैम्स है जिसमें हमारी जहाँ से जो हम कॉल करेंगे इसे सारी वैल्यू इसमें स्टोर होंगी प्रैम्स में। अब देखिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं वेरिएडिक फंक्शन को, तो यहाँ लिखेंगे वेरिएडिक, और इसके अंदर हम लोग
पैरामीटर्स की वैल्यू पास करेंगे, जो जितनी चाहे अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं इस तरह से वैल्यू पास कर रहा हूँ, देखिए सेव करते हैं इसे, अब इसे रन करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स एरर आ रहा है, चेक करते हैं क्या एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स एरर ये है कि हमने ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस लगा रखा है यहाँ। अब सेव करते हैं, अब सही हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसका टाइप बताया है इसने, ये एरे इंटीजर टाइप का है। जो भी आप पैरामीटर पास करते हैं वो एरे की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, और वैल्यू क्या पास हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मतलब जिसमें हम लोग बात करेंगे मैप्स की। देखिए आपने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे जिसमें मैप्स को हम हैशिंग कहते हैं, डिक्शनरी भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम इसे मैप कहते हैं, जिसमें की होती है और उसकी एक वैल्यू हम सेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप को क्रिएट करेंगे, तो डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए लिखेंगे वेयर, और फिर इसे नेम देंगे, मैं दे रहा हूँ माई मैप इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे एक मैप कीवर्ड का, और जो आप सबसे पहले की होगी तो वो किस टाइप की होगी मैं वो बतानी होगी। तो हम इस केस में ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की, आप इंटीजर भी रख सकते हैं। और फिर वैल्यू किस टाइप की रखेंगे वो बताना होगा, तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें इसे इनिशियलाइज कराना है। तो यहाँ लिखेंगे माई माई मैप इस तरीके से, जो नेम है, फिर लिखेंगे मैप इस तरीके से, और इसके अंदर फिर बताएंगे किस टाइप की है जो है स्ट्रिंग टाइप की, और किस टाइप की वैल्यू रख रहे हैं हम, इंटीजर टाइप की वैल्यू रख रहे हैं। अब इन्हें वैल्यू फीड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माई मैप, फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस, फिर लगाएंगे डबल कोटेशंस, और यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ ए, और इसमें मैं वैल्यू का स्टोर कराऊंगा, इसमें वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ 12 इस तरीके से, और यहाँ पर माई मैप है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर चेंज करते हैं, इसे करते हैं बी सी, और इसे करते हैं डी, और इसे करते हैं ई इस तरीके से, और इसे देते हैं 120। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यू दे दी, ये कुछ कीज थी और ये कुछ वैल्यू हमने फीड कर दी। अब देखिए इसे प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे fmt.println और माई मैप, इसे हम प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं इसे और इसे रन करते हैं। थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर को, देखिए एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 9 में। तो देखें क्या एरर है, हाँ यहाँ पर हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल गए। सेव कर लेते हैं, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे मैप लिखा हुआ रहा है, ए में 12 वैल्यू, बी में 120, सी में 1200, डी में 12000, और ई में 120000, ये हमारी वैल्यू फीड हो गई। अब अगर आप कोई पर्टिकल वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं मैप से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जिसका नेम है डिलीट, इस तरीके से लिखिए डिलीट, और फिर अपने मैप का नेम बताइए। तो हमारे मैप का नेम है माई मैप, और फिर किस की को आपको डिलीट करना है, ए बी सी डी, जिसको आप डिलीट करना चाहें उसको आप डिलीट कर सकते हैं। मैं ई को डिलीट कर रहा हूँ, सेव करते हैं इसे, इसे रन करते हैं। तो देखिए ई की वैल्यू हमारी डिलीट हो गई। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँ कोड को, यहाँ पर मैं डी की वैल्यू करूँ, तो डी की वैल्यू भी हमारी डिलीट हो गई आ जाएगी। तो ये देखें, गो पे क्लिक करते हैं, तो डी की वैल्यू भी हमारी डिलीट हो गई, ए बी सी ई हमें मिल गया। यहाँ पर देखिए ई हमने हटा दिया था तो डिलीट से, तो डिलीट नहीं हुआ और वो प्रिंट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। यहाँ पर मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, हमारा एक दूसरा चैनल भी है सी एस गीक्स 2.0, जहाँ पर हम आपके गेट के रिलेटेड सब्जेक्ट जो सी एस सी में पूछे जाते हैं वो वहाँ पर कवर करते हैं। तो अगर आपको सी एस सी के सब्जेक्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, सी हो गया, डाटा बेस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वहाँ पर डिटेल में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपके वहाँ पर गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको और डिटेल में अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर आपको आई बटन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे, थैंक यू वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।